रिवायत भी कहती है कफा बिल मौते, सबसे बेहतरीन वायस, सबसे बेहतरीन नसीहत करने वाला कौन है? मौत का ख्याल। मौत को जहन में रखो, इंशाल्लाह काबू में रहो, एहसास करो कि मरना भी एक दिन। अपने नौकर को डांट रहे हो, जहन में रहे कि मरना है एक दिन। किसी को जो है तुम निकाल रहे हो कंपनी से, उसकी रोजी रोटी छीन रहे हो, जहन में रहे कि मरना है एक दिन। जब तक मौत का तसव्वुर रहेगा आदमी, आप लोग जो मौत मौत कहते हैं, मौत डराते हैं, मौत का कौन सा मसला? रिवायत कहती है कि मोमिन की रूह ऐसे निकलती है, बोलिए जैसे फूल से, तो क्या टेंशन? मैंने कहा भैया एक हदीस आपको दिख गई, दूसरी हदीस भी तो है, दूसरी क्या? कांटेदार झाड़ी पर रेशमी लिबास डाल के खींच लिया जाए, जैसे कोई तार सलामत नहीं रहेगा, वैसे ही अजो अजो जिस्म की एक एक रग को मौत की असीयत का एहसास होगा। या किसी को अगर कैंची कैंची किया जाए, बोटी बोटी किया जाए, जितनी असीयत होगी रूह निकलते वक्त उतनी अजियत होती। कहीं हदीस कुछ कहती है, कहीं हदीस कुछ कहती है। एक रिवायत कहती है इतनी अजियत होगी जैसे टुकड़े टुकड़े किया जाए, है ना, रेशमी लिबास कांटेदार झाड़ी से खींच लिया। एक रिवायत कहती है नो टेंशन, ऐसे रूह निकलती जैसे फूल से खुशबू निकलती है। रिवायत में इख्तिलाफ है या मरने वाले मुख्तलिफ हैं? मरने वाले सब इंसान ही तो हैं। मैंने कहा भाई कहे जाते हैं इंसान, मगर इसमें एक भी इंसान नहीं है। हम सब लोग बजाहिर इंसान है, लेकिन हकीकतन कोई इंसान नहीं। एक तीसरी चीज है, और ये किसी और का फकरा नहीं है, बाब मदीनतुल इल्म। हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलामुल्लाह अलैह का फकरा। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि तीन तरह के लोग हैं। एक मखलूक वो है जिसको खुदा ने अक्ल दी है, शहवत नहीं दी है। एक मखलूक वो है जिसको खुदा ने शहवत दी है, अकल नहीं दी है। शहवत मतलब सेक्स नहीं है, शहवत जनरल ख्वाहिशात, उसमें वो भी आता है। एक मखलूक वो है जिसको अल्लाह ने अकल भी दी है और शहवत भी दी है। वो मखलूक जिसको अल्लाह ने अकल दी, ख्वाहिशात नहीं दी, वो कौन है? फरिश्ते। फरिश्ते वो जिसको ख्वाहिशात दी है, अकल नहीं दी, वो कौन है? जानवर। और जिसको अल्लाह ने अकल भी दी है, ख्वाहिशात भी दी है, वो कौन? हम और आप। अब ये दोनों चीजें आपस में मुसलसल दरसरे पैकार, अकल भी और शहवत। कभी शहवत चाहती है कि अकल पर गालिब आ जाए, और अकल चाहती है कि शहवत। दोनों में जंग चल रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि जहां अकल गालिब आ जाती है ख्वाहिशात पर, आदमी गुनाह नहीं करता, तो अब ये इंसान इंसान नहीं है, ये क्या है? ना फरिश्ता हो जाए तो कौन सा कमाल है? फरिश्तों से अफजल। क्यों? इसलिए कि फरिश्ते ने अगर गुनाह नहीं किया तो उसके पास ख्वाहिशात थी ही नहीं, कौन सा कमाल? इंसान अगर गुनाह न करे ख्वाहिश के बावजूद, तो वो इंसान फरिश्ता नहीं, फरिश्तों से। कभी उल्टा हो जाता है, शहवत गालिब आ जाती है अकल के ऊपर, अब न इंसान को अल्लाह दिखता है, न रसूल दिखता है, न कयामत दिखती है। इनका मारा, उनका दबाया, ये खाया वो खाया, अपना लिया, पराये का लिया, इमाम का लिया, जिसका लिया दुनिया भर पेट भरते रहे। अब ये इंसान क्या कहलाएगा? बोलिए, जानवर? ना, जानवर से बदतर। क्यों? इसलिए कि अगर जानवर ने किसी का खेत चर लिया है तो उसके पास पेट है, अकल नहीं है। लेकिन अगर इंसान ने किसी का मकान दबा लिया है तो अब ये जानवर नहीं, जानवर से
मरना दोनों को है, चाहे जानवर से बदतर हो चाहे फरिश्तों से अफजल हो। अब ये तय करना है कि जानवर से बदतर की रूह कैसे निकलेगी, फरिश्तों से अफजल की रूह। तो अब दो तरह के लोग, एक जो जानवर से बदतर, दूसरा जो फरिश्तों से। मरना दोनों को है, चाहे जानवर से बदतर हो, तो बीच में इंसान कहां है? देखने में आप इसको, हमको भी इंसान कहिए, इनको भी इंसान कहिए, इनको भी इंसान कहिए, लेकिन हकीकत या फरिश्ते से अफजल है या जानवर से बदतर, इंसान सही है। तो अब हम शुरू करते हैं, गुनाहगार जानवर से बदतर है, उनकी रूह कैसे निकले? इंसान का ताल्लुक इस कायनात से, दुनिया से हिजाब का सबब है। मेन जुमला वो वक्त जब इंसान का ताल्लुक दुनिया से तकरीबन खत्म हो जाता है, वो कौन सा वक्त है? हालत-ए-इहतिजाज। क्या माना है इहतिजाज का? हाजिर से बना है, यानी वो चीज जो इंसान इस दुनिया में रहते नहीं देख पा रहा था, अब उसका ताल्लुक इधर से कट रहा है ना, लिहाजा अब वो मौत से पहले की बात है, उस तकरार के आलम में वो चीजें उसके सामने हाजिर होती हैं। यह हालत है इहतिजाज। मेन जुमला वो चीजें जो इंसान के सामने मौत के वक्त हाजिर होती हैं, उसमें इंसान का अमल, औलाद, माल, ये तीनों चीजें उसके सामने हाजिर होती हैं। मरने वाला माल की तरफ देखता है, मैंने तुमको हासिल करने के लिए अल्लाह को अल्लाह नहीं समझा, हलाल को हलाल नहीं समझा, अब मैं मर रहा हूं कितना साथ दोगे? माल कहता है कफन ले लो और बस। औलाद सामने आती है और ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, मैं कब्र में लेके जाऊंगा इसको, बेटा तुम कितना साथ दोगे? बेटा कहता है कब्र तक पहुंचा देंगे और बस। तीसरे मरहले में इंसान का अमल उसके सामने आता है, हमने तुमको हकीर समझा, हमने तुमको मामूली समझा, हमने तुम्हारी कदर नहीं की, अब मैं मर रहा हूं, मेरा कितना साथ दोगे? अमल का जवाब, अमल कहता है वी आर विद यू ऑल द वे, इस वक्त से लेके कब्र की तन्हाई में, सरात बरज़ख बहिश्त तक, है ना। इसी दरमियान आप रिवायत सुनिए, अब दो रिवायतें नकल करूंगा, मजलिस उसी पे तमाम, बिहारुल अनवार में ये रिवायतें हैं कि इसी में इतने में रिवायत कहती है कि मलकुल मौत उसके सामने आ जाता है। अब मलकुल मौत को आदमी देख रहा है, अब यह आयत हदीस ने आयत, अब पढ़िए, ये मलकुल मौत आने के बाद फौरन रूह कब्ज़ कर लेता है? नहीं, कुरान के रूह से मलकुल मौत आता है, पहले हमारी फाइल पड़ेगा, वसी हसन पेशा मास्टर, उप पेशा खिताब, इन्होंने वादा किया पूना में एक सफर से 10 सफर तक मजलिस पढ़ने का, इसके बाद इनके पास ऑफर आ गया अमेरिका का और उन लोगों ने साफ लफ्जों में कुछ कह दिया, इन्होंने झूठे सच्चे बहाने बनाए, तबीयत खराब है, ऐसा है वैसा है, भाई मैं जा रहा हूँ, हम नहीं आ पाऊंगा, और चले गए अमेरिका। अब मलकुल मौत देखेगा, अच्छा यही इंसान है जिनके बाप के आगे हम लोगों को झुकाया गया था, लिहाजा अब आयत सुनिए कुरान की आयत, फीमा कुंतुम, कहां थे तुम? मतलब इतने खराब अमल, इतनी गंदी फाइल, मौलाना होकर के झूठ, दगाबाजी, ये सब कुछ तो है तुम्हारा, कहां थे तुम? अच्छा हम लोगों का मिजाज क्या है? बात दरअसल ये है कि, और उसके बाद फिर अपना हम बयान करना शुरू करते हैं, मसला ये है, तो आदत है इसी बात की, असल बात दरअसल ये है कि वहां मलकुल मौत के सामने यही हरकत शुरू कर देंगे। जब मलकुल मौत कहेगा फी मा कुंत, अबे कहां थे तुम लोग, इतनी खराब फाइल, इतने गंदे अमल, कहां थे? तो अब वसीयत साहब कहेंगे, असल बात दरअसल ये है कि,
वो क्या है कि अब कुरान की आयत पढ़िए, कुन्ना मुस्तदअफीन फिल अर्द, हम जमीन पर कमजोर थे, दबे कुचले थे। असल में मस्जिद का रास्ता जो है इब्राहिम साहब के दरवाजे से गुजरता था, और इब्राहिम साहब मुझसे तपे हुए थे, उन्होंने कहा मौलाना अगर मेरे दरवाजे से गुजरे तो मैं टांग काट लूं। तो साहब मैं कमजोर था साहब, मैं डर की वजह से नहीं गया। क्या हमारे इस उज्र को फरिश्ता मान लेगा, मलकुल मौत मान लेगा? अब कुरान की अगली आयत, अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअ फतुहाजरु फीहा, क्या जमीन खुदा वसी नहीं थी? फतुहाजरु फीहा, कि तुम हिजरत कर जाते। ये बताइए रसूलुल्लाह का घर कहाँ था? मक्का। कहाँ आ गए? तबलीग दीन की खातिर मक्का छोड़ा, मदीने आए कि नहीं आए? इमाम हुसैन का घर कहाँ था? मदीना। हिफाजत दीन की खातिर छोड़ा, जंगल बसाया कि नहीं बसाया? तो अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअ फतुहाजरु फीहा, क्या जमीन खुदा वसी नहीं थी कि तुम हिजरत कर जाते? जब मलकुल मौत हमको कायल कर लेगा तब रूह निकाली जाएगी? नहीं, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, अभी नहीं निकलेगी। अब कुरान कहता है कि रूह निकालने से पहले पिटाई शुरू हो। जब डिसाइड हो जाएगा कि ये मौलाना गड़बड़ है, ये गुनाहगार है, ये जानवर से बदतर है, इसके साथ टीचर के अम्मामे पर मत जाओ, इसने ये सब गड़बड़ की है, तब कुरान कहेगा कि पहले वसी हसन की रूह नहीं निकलेगी। कुरान कहता पिटाई होगी तुड़ाई, कहां पिटाई होगी जगह बताइए। जाइए देखिए कुरान में, यद्रिबूना वुजूहहुम वअदबारहुम, इनके चेहरे पर और इनकी पीठ पर मारा जाएगा। कब्जे रूह से पहले की बात, मार मार के इनकी रूह। इंसाफ से बताइए, जिसकी रूह मार मार के निकाली जाए उसको अजियत होगी कि नहीं होगी? और जिसकी रूह मार मार के निकाली जाए उसको पहले ही से पता है कि नहीं है कि मुझको कहां जाना है, तो कितना अजियत होगी? कि यही वो रिवायत है, अगर जानवर से बदतर बन जाओगे रूह इस तरह निकलेगी। ये हाल उन लोगों का है जो जानवर से बदतर है, मुजरिम है, गुनाहगार है, इस तरह पीट पीट के रूह निकाली जाए। दूसरी किस्म क्या थी सर? सर फरिश्तों से अफजल। अब उसकी रूह कैसे निकलेगी? इसलिए कि जो मर रहा है वो कौन है? मोमिन। तो मोमिन क्या है इस वक्त? फरिश्तों से अफजल। और जो रूह निकालने आया है वो फरिश्ता है। तो आप जो है बॉस का लिहाज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? इत्तेफाक है भाई, उसके हाथ में कानून है। अब उसकी मिसाल यूं सुन लीजिए आप, डीआईजी साहब जो है आईपीएस, वो रिश्वत के मामले में फंस गए, नॉन अवेलेबल वारंट हो गया, इनको अरेस्ट कौन करेगा? अरेस्टिंग अथॉरिटी कौन है? आईजी आएगा अरेस्ट करने, एसपी आएगा अरेस्ट करने, थानेदार है ना, और वो दो पुलिस वालों के साथ पकड़ो। तो जो गिरफ्तार हो रहा है वो बड़ा है, या जो गिरफ्तार कर रहा है वो बड़ा है? अब बताइए कैसे अरेस्ट करेगा? सर सर प्लीज सर 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 कोऑपरेट कीजिए सर, मैं आई एम सॉरी वेरी सॉरी सर, मैं मजबूर हूँ कानून के हाथ से सर, सर मैं आपको हथकड़ी नहीं लगाऊंगा सर, प्लीज आप क्यों कर रहे हो तुम? कैसे कि हमसे अफजल है। ये और बात है कि आज इत्तेफाक से फंस गया है, यहाँ जिसकी रूह निकल रही है वो है फरिश्ते से अफजल, और जो रूह कब्ज करने आया है वो है फरिश्ता। तो रूह कब्ज जिसके लिए वो बड़ा है ना, कैसे रूह कब्ज होगी? अब आइए बिहार ननवार, रसूल खुदा से रिवायत है, किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह कैफ यतवफा मलकुल मौत अल मोमिन, या रसूल अल्लाह मलकुल मौत मोमिन को वफात कैसे देता है? पैगंबर ने फरमाया इन मलकल मौत ليتوقف عند المؤمن موقف عبد الدليل من المولى, ملك الموت مؤمن کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے غلام آقا کے سامنے۔ دوسری حدیث, یہاں تو پوچھا لوگوں نے, ایک جگہ وہ آتی جہاں خود رسول اللہ نے فرمایا کہ مؤمن کی روح کیسے نکلے گی, فرماتے ہیں لا يزال المؤمن
परमानेंट दायमन मुस्तकिल मोमिन खाइफन मिन सूइल अखलाक, डरता रहता है अपनी बदनजामी से। क्यों डरता है मोमिन? भाई नमाज रोजा सब कुछ तो है, डरने कौन सी बात है? का इसलिए डरता है कि लअन्नहु ला यतयक्कनुल वुसूल इला रिदवानिल्लाह, इसलिए उसको यकीन नहीं होता कि अल्लाह की रहमत उसके शामिल हाल होगी कि नहीं होगी। लिहाजा एक नंबर की पहचान मोमिन की यह है कि चाहे जितना दीन ईमान और तक्वा हो, घमंड मान डरता रहता है। इसी बीच इसी उधेड़बुन में रहता है, पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, क्या होगा, जहन्नम में जाएंगे, ये अमाल कबूल है नहीं कबूल है, रिया से बचे हैं नहीं बचे हैं, खुलूस था तो डरता रहता है, करता है मगर डरता है कि इसी दौरान मौत का वक्त आ जाता है। वज़ुहूर मलकुल मौत मलकुल मौत उसके सामने जाहिर होता है। तो देखिए लाख जो है वो डीआईजी साहब बड़े हो, छोटा ही सही दरोगा जब ये वारंट लेके पहुंचता है तो डीआईजी साहब पीछे से भागने की कोशिश करेंगे नहीं करेंगे? इसलिए गिरफ्तारी की दहशत होती है। यहाँ भी वही है कि लाख फरिश्ता छोटा है या फरिश्तों से अफजल, लेकिन अब गिरफ्तारी है वारंट तो दहशत होगी। लिहाजा अब फरिश्ते का पहला काम यह है कि इनसे दहशत को दूर करो, फिर बात हो। जैसे ही मलकुल मौत जाहिर होगा टेंशन शुरू होगा नहीं होगा। और अब कानून यह है कि बड़े हो यार पहले इनको नॉर्मल करो, बेचारे घबरा गए चाचा चाचा, ज्यादा नॉर्मल करो। नॉर्मल कैसे करेगा? अब रिवायत कहती पैगंबर फरमाते हैं कि जब इसको घबराहट देखेगा मलकुल मौत, अब देखिए सर और बास वास रिवायत का नहीं है, बोलचाल की बात अर्ज कर रहा हूं। क्या बात है सर? बॉस क्या बात है? मुझको देखते इतना डर क्यों गए? दहशत क्यों हो रही है? कांप क्यों रहे हो? अब सुनिए जवाब इसका। देखिए जवाब तो इतना सा है, मैं उसको समझाता हूं। ये कहेंगे मरने वाला इसलिए कि अभी मेरी आरजुएं पूरी नहीं हुई है। मसलन मिसाल के तौर पर नंबर एक, देखिए मई में रिटायरमेंट था मेरा स्कूल टीचर, तो वो फंड वंड कुछ मिलना था तो ये तय किया था, मन्नत ये थी कि अपने पैसे से हज ज़ियारत को जाऊंगा, औलाद का नहीं लूंगा। लेकिन बच्चे भी लायक है माशाल्लाह, बड़े बेटे ने साहब लखनऊ में बढ़िया बंगला बनवाया 1.5-2 करोड़ का, तो उसने कहा कि अब्बा कुछ दिन लखनऊ रहिए, गर्मी में एसी वैसी लगवा दिया, कुछ दिन वहां रहता मैं। उसके बाद छोटा बेटा है उसने बंबई में 2.5 करोड़ का फ्लैट लिया है, वहां रहते और उसके बाद साहब जो है वो सिरात वालों से जो है वो बात हो गई है, पासपोर्ट जा चुका है, वहां से फिर मेरा फला तारीख को जहाज है, मैं जो है वो उमरा करता, उमरे के बाद जो है करबला मोहल्ला जाता, मशहद जाता और घूम फिर करके साहब अक्टूबर में वापसी थी, और उसके बाद साहब जो वो हज उसका खाना वाना करता, और मेरी जो छोटी बहू है उसको नवम्बर की 20 तारीख जो है लेनी डॉक्टर दिया है, और मैंने पोते का नाम पहले से मोहम्मद अली रख लिया है, ये तय था कि वो सब आएंगे 20 नवंबर को, ये वाकया होगा 25 नवंबर को मेरा इरादा था कि बड़ी सी मजलिस करेंगे अपनी ज़ियारत का भी, बच्चे के अकीदे का भी, और ये भी और वो भी, सारा काम पड़ा हुआ, तब तक आप आ गए। उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि टेंशन क्यों है? मलकुल मौत का जवाब सुनिए। मलकुल मौत की रिस्पांसिबिलिटी ये है कि पहले दहशत को दूर करे, इसके अंदर खुश जज्बा पैदा करे, आप ले चलो। अब रिवायत कहती है मलकुल मौत ने कहा अच्छा चाचा, चाचा रिवायत में नहीं, मलकुल मौत ने कहा चाचा अगर किसी से एक दिरहम ले लिया जाए और बदले में उसको अल्फ अल्फ हजार हजार यानी 10 लाख दिरहम दिया जाए तो एक दिरहम छूटने का उसको सदमा होगा। सबने कहा ना तो चाचा जी वही कहेंगे नहीं, नहीं। अब जब ये कहेंगे नहीं तब रिवायत कहती बिहार में है कि मलकुल मौत ने कहा ओ नुसूर जरा देखो तो वहां मरने से पहले बिछाई थी, यहां भी मरने से पहले ओ नुसूर देखो तो अब क्या देखेगा। रिवायत फयरन जन्ना व कुसूरहा, मरने वाला मरने से पहले जन्नत और जन्नत के महल। ये 2.5 करोड़ का है बंबई का फ्लैट, अकीक का है, जमुर्रद का है, 3 करोड़ का बंगला है लखनऊ का,
जाके खुद राजस्थान से पत्थर लाए थे, मगर अकीदा है तो एक के बदले में 10 लाख हुआ नहीं है। बोल सर, जरा देखो तो फयरल जन्नत वो कसूर रहा, मरने वाला मरने से पहले जन्नत और जन्नत के महल, उसके बाद और ये सब क्या मलकुल मौत है। दादा बाप के ये उनके वाले, ये उनके दादा जो भी मोमिन हो, और ये यही तो मोहम्मद अली है। 20 नवंबर की डेट तो दे रखी है, ये मोहम्मद अली वही है। होम होना अगले पिछले सब वहां है। अब आदमी के अंदर ये होगा कि यार दादा का नाम सुनते थे देखा था, वही इंसान जो डर रहा था अब रिवायत कहती मलकुल मौत से कहेगा भाई प्लीज लेट क्यों कर रहे हो, लेट चलो। मलकुल मौत कहेगा यार जल्दी किस बात की है, फंसोर फिर देखो। अब की पता क्या देखेगा, अमादा हो जाएगा। फयरा मुहम्मदन व अलिया, आपको देखेगा किसको, रसूलुल्लाह और मौलाए। रुक एक रिवायत नकल कर दूं कि बाज रिवायतों में ऐसा है कि हर मरने वाला पैगंबर को और अमीरुल मोमिनीन को देखेगा, चाहे जानवर से बदतर हो चाहे फरिश्तों से अफसर। बाज रिवायत में क्यों, क्यों उसकी वजह है, वजह यह है कि जो मुखालिफ है, जो दुश्मन है, जो पैगंबर को नहीं मानते, अरे यहाँ भी है, अब क्या होगा, दहशत में और इजाफा हो जाएगा। मोमिन अच्छा यही मेरे मौला है, बहुत गदीर के चंदे के लिए साइकिल से दौड़ा उन्होंने, मगर बकिया इमामों को सब नहीं देख सकते सिवाय मोमिन के। फयरा मुहम्मदन व अली, फिर देखो अब देखा किसको, रसूलुल्लाह और पैगंबर इस्लाम और अली को। वत्तय्यिबीन मिन आलि इमाम, और इनकी आले पाक दोनों की यानी अहिमे मासूमी पहचान तो पाएंगे नहीं, ये काम भी उसका है मलकुल मौत का। जानते हो ये कौन है? नहीं साहब पहचान तो नहीं पाए। हम अहिम्मतुक व सादातुक, यही है तुम्हारे इमाम लोग, यही है तुम्हारे सैयदो सरदार। अब मरने वाला लग जाएगा, अच्छा ये रसूलुल्लाह है, ये मौला है, ये इमाम हुसैन है, ये फला इमाम है, वो लग जाएगा जियारत में, तब तक कब रूह निकल गई। हम लोग बोलते ना अकेले आए अकेले जाएंगे, जी ना अकेले आए और ना अकेले जाएंगे अगर मोमिन। कैसे? अच्छा अपने दो फरिश्ते हमारे साथ साथ है ना, हम 50 के ये 50 के, हम 60 के ये 60 के, हम 80 के ये 80 के, तो मोमिन की बात हो रही है ना। अब तो रहते रहते जानवर को भी लगाव हो जाता है, है ना, मोहब्बत हो जाती है, तो इनको भी मोमिन से मोहब्बत हो जाएगी। अच्छा हमारे घर वालों को पता चले ना पता चले, लड़कों को मालूम इनको पता चल जाएगा कि अब इनका मामला, तो अब पता है रिवायत क्या, जैसे ही इनको एहसास होगा कि ये जाने वाले हैं, युबकिया ये दोनों रोना शुरू करेंगे। हुआ या तरहमान अले, और इस मरने वाले पर इजहार तरहम, ये बेचारा मर रहा है। हुआ यकूला, और ये दोनों फरिश्ते बारगाह खुदावंदी में अर्ज करेंगे, अल्लाह तूने हमको इसके साथ पैदा किया था, वह कुन्ना मुवक्किलैन बिह, हम दोनों इस पर मुअय्यन थे, وَقَدْ نَقَلْتَهُ إِلَى جَوَارِكَ, اور اس کو تو نے اپنے پاس بلا لیا, فَمَا تَأْمُرُنَا, فَيَقُولُونَ کہیں گے پالنے والے اس کو تو اپنی بارگاہ بلا رہا ہے, فَمَا تَأْمُرُنَا, ہم کیا کریں, اب آواز قدرت آئے گی, تَسْتَلْزِمَانِ قَبْرَ, تمہارا کیا نام ہے, تمہارے ابا کا, ان کے ابا کا, उनके अब क्या कहा, ज्यादा से ज्यादा यही औकात हम सब की है। हमारे दादा के दादा के दादा का क्या नाम था, तो जब नाम नहीं मालूम है तो फातिहा क्या पढ़ेंगे, जब नाम नहीं मालूम है तो इज़ाले सवाब क्या करेंगे। तो जैसे हमको अपने दादा के दादा का नाम नहीं मालूम है, वैसे हमारे पोते के पोते को हमारा नाम याद रहेगा,
तो कई दिन मजलिस होती हमारी आपकी, वो भी अगर जनरेशन लाए कोई तो, वरना सा फातिहा सानो 40वां दर साल। लेकिन अगर अल्लाह वाले हो, अब सुनो ईसा ने सवाल, पालने वाले हम कहां जाएं? आवाज़े कुदरत आएगी, तस्तन से माने कब्रा, उसकी कब्र पर बैठो, वो तस्तगफिरान लहू इला यौमिल कियामा, और कियामत तक इस मोमिन की कब्र पे बैठ के उसके लिए इस्तिगफार करो। फरिश्ते को न भूख लगती है, न नींद आती है, न वजू टूटता है, 24 सर्वे सात कयामत तक नॉन स्टॉप। अगर मोमिन हो, इस्तिगफार का काम भी अल्लाह करवाएगा। फायदा खत्म, फायदा का न यौमल कियामा। अब जब कयामत आ जाएगी खत्म। अच्छा सर, खुदा हाफिज करना, खुदा हाफिज नहीं है क्या? क्या ये फरिश्ते साथ रहेंगे? मैंने कहा वो गलत है बात, अकेले आए अकेले जाएंगे, तीन लोग आए तीन लोग जाएंगे। अब जन्नत इतनी बड़ी, इतने सारे लोग, अरे हमारी कोठी कहाँ है कौन बताए? हमारा घर किधर है? ये दोनों फरिश्ते रिवायत कहती है सवारी लेके आएंगे, यही दोनों फरिश्ते, खुदा हाफिज नहीं। और इस मोमिन को बिठलाएंगे उस नूर की सवारी पर, आगे आगे दोनों फरिश्ते सवारी के ऊपर, ये मोमिन कहां अब लेके आगे जन्नत के दरवाजे पर। सर खुदा हाफिज मेरा काम खत्म, नहीं अब जन्नत में साथ रहेगा, वह खदमा हो फिल जन्नत, और ये दोनों अब जन्नत में खिदमत गुजार की हैसियत से रहेंगे। उधर से जो मिलेगा वो अलग, मोमिन बन जाओ दो नौकर साथ लेके जा सकते हैं। और अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो एक हदीस सुना के बाद खत्म करता हूँ। अब समझ में आएगी, छठे इमाम इमाम जाफर ने सादिक सलामुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस बिल्कुल साफ हदीस है, लेकिन किसके लिए? जानवर से बदतर के लिए, गुनाहगार के लिए, मुजरिम के लिए। लेकिन अगर फरिश्तों से अफजल हो जाओ, अब रिवायत छठे इमाम फरमाते इन्नल मलाइका लखुद्दामुना वखुद्दाम मुहिब्बीना, फरिश्ते हमारे नौकर और हमारे चाहने वालों के नौकर।